सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25,000 के प्राइसिंग में आने वाले 5 बेस्ट दमदार स्मार्टफोन्स के बारे में। यहाँ पर आपको जो फ्लेक्सिबल लेवल तक की फीचर्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको स्नैपड्रैगन 870 वाली फ्लेक्सिबल लेवल का चिपसेट मिलेगा, जहाँ पर आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही 64 मेगापिक्सल की पावरफुल कैमरा, जहां पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 80 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बजट जो है अंडर 25,000 प्राइसिंग के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi 11 Lite एनी 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये डिवाइस जो ऐसे यूजर्स को टारगेट करके लॉन्च किया गया है जिनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्लिम स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ पर आपको मिलता है 6.55 इंच की एक फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले, जो कि एक ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, और ये डिस्प्ले 10 बिट पैनल के साथ में आता है, और वहीं 90Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर जो 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग जो है टॉप नॉच की दी गई है, तो यहां पर आपका वीडियो एक्सपीरियंस रियली काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है, बट यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए जो है साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का यह स्कैनर मिलता है, और वहीं ये स्मार्टफोन ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है। साथ ही इसका थिकनेस ओनली 6.81 mm है। साथ ही इसका वेट 158 ग्राम है। तो ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज के साथ में आता है। और वहीं अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पर कैमरा भी आपको Xiaomi की तरफ से टॉप नॉच वाली दी गई है। यहाँ पर मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल की टेली मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इसका कैमरा आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक वाली देखने को मिलेगा। और जैसा कि स्मार्टफोन स्लिमेस्ट डिज़ाइन के साथ में आता है, फिर भी यहाँ पर आपको 4250 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चिपसेट भी काफ़ी बेटर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 778G वाली चिपसेट यूज़ किया गया है, और ये चिपसेट 6nm बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। साथ ही यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के लिए अच्छी खासी 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि स्मार्टफोन स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज के साथ में आता है, जिसके कारण अगर आप यहाँ पे जो है लंबे समय तक हैवी वर्क करेंगे तो आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है। साथ ही यहाँ पर Xiaomi की तरफ से आपको 3S तक की एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, और वहीं आपको 4 सालों तक जो है सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपडेट के मामला में भी ये डिवाइस आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसका प्राइसिंग देखा जाए तो करेंट टाइम में 27,000 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी बैंक कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको फिलहाल के टाइम में 2,000 का इंस्टेंट ऑफ ही देखने को मिल जाता है। अगर आपको 25,000 के प्राइसिंग में सुपर स्लिमेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है ओप्पो रेनो 7 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर देखा जाए तो ऑफलाइन मार्केट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी स्पेक्स ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.43 इंच की एक फुल एचडी प्लस की AMOLED डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही HDR 10 प्लस की भी सपोर्ट दी गई है, और वहीं 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। साथ ही कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है कि ये डिवाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, और वहीं इसका थिकनेस 7.81 mm है। साथ ही इसका वेट करीब 173 ग्राम है। तो ये भी डिवाइस लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है, और वहीं यहाँ पर आपको बैक साइड की ओर प्लास्टिक की फ्रेम एंड प्लास्टिक की बैक पैनल दी गई है, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। कैमरा की बात करी जाए तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल की यूज़ की गई है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और सेंसर दी गई है, जिसे आप यूजलेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और जैसा कि ओप्पो का स्मार्टफोन है तो कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सही वाली देखने को मिलेगा। इसके पावर की बात करें तो ये डिवाइस 4500 mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 65W की अच्छी खासी सुपरबुक चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है। तो प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग काफ़ी आराम से कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर 13 5G बैंड्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर का ही सपोर्ट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 8G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 29,000 प्राइसिंग पे करने होंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ पे बैंक कार्ड ऑफर अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 का इंस्टेंट ऑफर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को 26000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में ओप्पो की तरफ से कोई स्मार्टफोन लेना है जहाँ पर कैमरा काफ़ी बेटर हो, साथ ही परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर जो कि आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। और यहाँ पर आपको फिलहाल के टाइम में जो 4000 का अच्छी खासी डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, और देखा जाए तो यहाँ पर 21000 के प्राइसिंग में स्मार्टफोन काफ़ी बेटर डील है, जहाँ पर आपको कैमरा जो है इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर वाली दी गई है। साथ ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इसके ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.4 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर COG 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी वाली दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिबल है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो यह स्मार्टफोन ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि डिवाइस ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। साथ ही इसका थिकनेस 8mm है और वहीं इसका वेट करीब 182 ग्राम है। तो ये भी डिवाइस लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है, जिसे आप सिंगल हैंड से काफ़ी जल्दी यूज़ कर पाएंगे। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर रियर साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप डिलीवर किया गया है, जो कि मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। और यहाँ पर जो है सोनी का IMX766 वाली सेंसर यूज़ की गई है। ये सेंसर जो है लाइट को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करता है, तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग जो है लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल जाएगी। साथ ही 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल की मैक्रो दी गई है, और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो है रियलमी की तरफ से देखा जाए तो कैमरा आपको काफ़ी धांसू वाली देखने को मिलता है, और यहाँ पर रियलमी ने लिटरली कैमरा पे काफ़ी अच्छे से काम किया है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी यूज़ किया गया है, जहाँ पर 60W की सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं बात कर लेते हैं इसके मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के लिए 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच वाली देखने को मिलेगा। साथ ही यह स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये डिवाइस 6GB+128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 25000 प्राइसिंग पे करने होंगे। बट अगर आप यहाँ पे HDFC बैंक कार्ड ऑफर अप्लाई करते हैं तो आपको 4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो रियलमी की तरफ से 21000 के प्राइसिंग में परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी आपको काफ़ी कमाल की दी गई है। तो अगर आपका मेल ये दोनों रिक्वायरमेंट है तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, और ये डिवाइस आता है वीवो का सब ब्रांड IQOO Z6 Pro 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वाली स्पेक्स दी गई है, साथ ही यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी डिस्काउंट फिलहाल के टाइम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.44 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है, और यहाँ पर 1300 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और यहाँ पर आपको पंडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही अच्छी बात है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का स्कैनर भी दिया गया है। इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये भी डिवाइस प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ में आता है, और इसका थिकनेस करीब 8.5mm है, और वहीं इसका वेट 180 ग्राम है। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर रियर साइड की ओर 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और जैसा कि वीवो का सब ब्रांड है तो यहाँ पर आपको कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन 4700mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 66W की अच्छी खासी फ्लैश चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 7 5G बैंड्स के साथ में आता है। और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार वाली देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग तो काफ़ी आराम से कर पाएंगे, साथ ही आपको डे टू डे टास्क में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, और वहीं आप हैवी वर्क भी काफ़ी आराम से कर पाएंगे। और ये डिवाइस जो है ओनली सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है। प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप इस डिवाइस को बेस वेरिएंट 6GB रैम के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 24000 प्राइसिंग पे करने होंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम में ICICI बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ करते हैं तो आपको 2000 का इंस्टेंट ऑफ भी देखने को मिलेगा, और वहीं आपको 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो सारे ऑफर्स अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को ओनली 21000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर डील है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं एक और IQOO स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है IQOO Neo 6 5G स्मार्टफोन। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी वाली डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही आपको स्पेक्स जो है फ्लेक्सिबल लेवल की दी गई है।
जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है 6.62 इंच की एक E4 AMOLED डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो डिस्प्ले अल्ट्रा स्मूथ मिलेगा। और वहीं HDR 10 प्लस की सपोर्ट, साथ ही 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और यहाँ पर आपको ये डिवाइस जो है पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आता है। साथ ही इसका थिकनेस 8.5 mm है और वहीं इसका वेट 190 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर जो है रियर साइड की ओर 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर जो कि OIS के साथ में आता है, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और जैसा कि iQOO का स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस तो काफ़ी दमदार मिलता ही है, साथ ही कैमरा भी काफ़ी बेटर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको कैमरा बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। साथ ही स्मार्टफोन 4700mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 80W की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और वहीं अब बात करते हैं इसके मेन हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 7nm बेस्ड है, और देखा जाए तो 2021 का जो है मोर पावरफुल चिपसेट है। साथ ही ये चिपसेट की खास बात है कि यहाँ पर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, तो अगर आप यहाँ पे लंबे समय तक हैवी वर्क करेंगे तो भी आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको 5G के लिए ओनली 4 5G बैंड्स का ही सपोर्ट दिया गया है, और ये डिवाइस स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 30,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। लेकिन अगर आप फिलहाल के टाइम में ICICI बैंक कार्ड का ऑफर अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा, साथ ही आपको 1000 का डिस्काउंट कूपन भी मिल जाता है जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को फिलहाल के टाइम में इफेक्टिवली 26000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो iQOO की तरफ से 26000 के प्राइसिंग में काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको गेमिंग काफ़ी अच्छी खासी करा देगा, साथ ही कैमरा भी काफ़ी दमदार दी गई है, तो आप इस डिवाइस को इस प्राइसिंग में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।